हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और दिल्ली UPSC MCQ सीरीज में आपका स्वागत है। शाम को लेसन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के हैं, स्टैटिक पोर्शन के हैं और उनको आपको फॉलो करना है डेली। 15 अक्टूबर का लेसन है और चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह का लेसन जो है दोनों का वो भी आप मिस मत करना, दोनों को कंबाइंडली देखना है। इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ हैं, लगभग 40 से 50 मिनट में दोनों खत्म हो जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डेली फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। 169 रुपये में पर मंथ जो है इंपॉर्टेंट कोर्सेज, तीनों इंपॉर्टेंट फैकल्टीज़ के अवेलेबल हैं और ये अफोर्डेबल हैं और इनको आपको फॉलो करना है। पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेनिंग के ऊपर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इन कोर्सेज के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा, इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। जो भी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई कार्ड अगर नहीं एक्सेप्ट हो रहा, कुछ भी है, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, वहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। और सारे कोर्सेज और भी हैं जो हैं पहले से चल रहे हैं, वो भी अवेलेबल हैं। PDF आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है इस फेसबुक ग्रुप पर और इस पर मैं अपलोड कर देता हूँ और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ज रिक्स बैंक प्राइस, ये क्या प्योर इकोनॉमिक साइंस में ही दिया जाता है? और दूसरा, क्या ये पहले उन सारे के जो सॉरी जो प्राइजेस जो अनाउंस किए थे विल के अंदर, अपने विल के अंदर अल्फ्रेड नोबल ने, उनमें से क्या पहला ये प्राइज है जो कि इकोनॉमिक साइंस का नोबल कहलाता है? देखिए, अपनी विल के अंदर 1896 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उससे एक साल पहले उन्होंने अपनी विल लिखी थी, लेकिन उसमें इस इकोनॉमिक्स वाले का नाम नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है बाद में जब 1968 में 300 साल हो गए थे बैंक जो स्विट्जरलैंड सॉरी जो स्वीडिश बैंक को, तो उन्होंने ये नोबेल फाउंडेशन को जो है पैसा दिया और उससे ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर्जेस रिक्स बैंक प्राइस। तो ये बैंक ने इसका पैसा दिया था और इसका पैसा नोबेल वाले उससे नहीं आता है, तो ये उस फंड फाउंडेशन को पैसा दिया गया था, नोबेल फाउंडेशन को, लेकिन ये प्राइज उनके साथ ही अनाउंस होता है और ये 1968 से चल रहा है। 1969 में ये पहली बार दिया गया था, एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट को दिया गया था। तो पहला गलत है क्योंकि प्योर इकोनॉमिक साइंस में नहीं, इसमें ह्यूमैनिटीज़ में और पॉलिटिकल साइंस में, उनमें सोशल साइंस में भी दे सकते हैं, लेकिन उनका इशू जो है वो इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करना चाहिए सब्सटैंशली, तभी उसमें भी मिल सकता है। और ये पहला नहीं था, ये तो लास्ट वाला है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, डी नन इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, 1968 में स्टैब्लिश हुआ था, डोनेशन मिला था स्वीडन के सेंट्रल बैंक से, जो स्वर्जेस रिक्स बैंक है, और ये विल जो थी वो 1895 में इन्होंने लिख दी थी, उसके अंदर इसका नाम नहीं था। ये देखिए फाउंडेशन है और ये अवार्ड इनके साथ ही दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो चुनती है अवार्ड, मतलब जो अवार्डी होते हैं और वो उनको देते हैं। 1969 में जो मैंने आपको बताया कि रैगनर फ्रेश जो थे, जो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, और इनके साथ में थे जैन टिम्बरजन, इन दोनों को ये मिला था। नेक्स्ट है कैटालोनिया, अभी इशू चल रहा है और 2017 में बड़ा इशू हुआ था इसका। अभी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने और ये आदेश दिया है कि जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था, जिन्होंने मिसयूज़ किया फंड्स का और ये सेडिशन जो किया, उसके लिए उनको सज़ा दी गई है लीडर्स को, कैटालोनिया के लीडर्स की। तो कैटालोनिया जो है वो ऑटोनॉमस कम्युनिटी कहाँ की है? पुर्तगाल में क्या वो है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में? नहीं, ये पुर्तगाल के पास में स्पेन है, स्पेन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, तो ये गलत होगा। और क्या ये बाल्कन पेनिनसुला पे लोकेटेड है? बाल्कन पेनिनसुला यूरोप में ही है सर्टनली, लेकिन बाल्कन पेनिनसुला यूरोप के साउथ ईस्ट में है, ये तो साउथ वेस्ट पोर्शन है, यहाँ पर आइबेरियन पेनिनसुला है, याद रखना आइबेरियन पेनिनसुला है, और ये बाल्कन नहीं होगा, दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर इसका होगा डी नन। ये देखिए, स्पेन ने जो है 9 कैटालोनियन लीडर्स को और जेल की सजा सुनाई है सेडिशन के नाम के ऊपर, तो सेडिशन का चार्ज उस पर लगा है। और एक स्टैट्यूट ऑफ ऑटोनॉमी है जो कि 1975 से ही चल रहा है यहाँ पर, और एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह कैटालोनिया है। लार्जेस्ट सिटीज़ की बार्सिलोना है, आपको पता होगा बार्सिलोना बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, और ये सारा इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ये है। एंडोरा नाम का एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर के ऊपर है, तो वो भी इससे टच होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये मैप है वर्ल्ड का, ये सारा यूरोप है और ये आइबेरियन पेनिनसुला है, ये वाला जिसमें पुर्तगाल और स्पेन दोनों आते हैं, और ये कैटालोनिया जो रीजन है वो इसी का स्टेट माना जाता है अभी स्पेन का ही, लेकिन ऑटोनॉमस रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेन की ही है। और ये छोटा सा गोला जो आपको दिख रहा है ये एंडोरा है और ये फ्रांस है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, यहाँ पर, यहाँ से वास्को डा गामा जो है वो अफ्रीका का चक्कर मार के इधर से इंडिया पहुँचा था, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और मैप अगर स्पेन का देखें तो ये कैटालोनिया यहाँ पर है।
ठीक है, ये देखिए ये वर्ल्ड मैप में यहाँ से दिख रहा आपको ये आइबेरियन पेनिनसुला, यहाँ से वास्को डी गामा आता है, ये केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है और यहाँ से इंडिया पहुँचता है। तो ये इतना बड़ा जर्नी इसने किया था, ये पुर्तगाल का था। ये स्पेन का जो थोड़ा सा हिस्ट्री है, यहाँ पर कैटालोनिया की हिस्ट्री भी बताई गई है और कैटालोनिया जो है किस तरह से है, यहाँ पर 27 अक्टूबर 2017 से ही जो है ये इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था। कैटालोनिया ने बोला कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं स्पेन से, और एक रेफरेंडम हुआ उसमें इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उसके बाद में जो वहाँ का जो सीनेट था स्पेन का, उसने ये एनफोर्स किया कि इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए और स्नैप इलेक्शंस कराए, और उसके बाद में वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने और रिबेलियन और मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड और सेडिशन का चार्ज उन पर लगा दिया और अब वो सजा सुनाई गई है। ठीक है, ये एंडोरा का जो है लोकेशन, ये मैंने आपको बताया, अभी पूछ सकते हैं आपसे ये स्पेन या फ्रांस के बीच में, ये एंडोरा है। आइबेरियन पेनिनसुला जो मैंने आपको बताया, स्पेन पुर्तगाल दोनों इसमें आते हैं और एंडोरा भी इसमें आता है, और ये सब है, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ पर है, ये मोरक्को है और ये स्पेन है, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो कि पैसिफिक ओशन को किससे जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी से, तो वो सी है और ये अटलांटिक ओशन है इधर लेफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरैक्ट का, आज इशू आया है, मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड विजन रिपोर्ट जो है वो भी आई थी और WHO ने पहली बार उस रिपोर्ट को निकाला है, और कैटरैक्ट का इशू जो है वो आज न्यूज़पेपर में भी आया था। तो कैटरैक्ट क्या एज रिलेटेड डिजीज़ है? बिल्कुल है। और क्या ये सिर्फ एजेड लोगों को ही अफेक्ट करती है? ऐसा नहीं है, इसमें कई तरह के इशूज़ होते हैं, रेडिएशन भी हो सकता है, कंजेनाइटल भी डिजीज़ होती हैं और बच्चों को भी ये हो सकता है, ये भी देखा गया, और किसी भी एज के अंदर ये हो सकता है, और अल्कोहल भी हो सकता है, स्मोकिंग भी कॉज हो सकता है, कई तरह का कॉज होता है। जो मैक्यूलर लेंस होता है आंखों के बीच में, आंखों के अंदर, जो मैंने आपको सुबह पूरा पिक्चर बना के बताया था, सुबह और लेसन को आप देख लेना, उसमें जो ये कॉर्निया है यहाँ पर लेंस होता है आँख के अंदर, ये इलियरी मसल्स हैं, और ये लेंस जो है इसका एक तरह से डिजनरेशन हो जाता है, इसके अंदर क्लाउडीनेस आ जाती है, या तो इसका प्रोटीन डिजनरेट हो जाता है एज के साथ में, या फिर कोई और रीजन से, रेडिएशन से, हाइपरटेंशन से, टेंशन से, डायबिटीज से, ये सब खराब हो जाता है, तो फिर इसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, यही एक इसका इलाज होता है। और सुश्रुत जो थे 5th century BC के अंदर, उन्होंने इसकी बात की थी अपने जो सुश्रुत संहिता के अंदर, और पहला इसका इलाज वहीं पर बताया गया है। उन्होंने बोला कि वार्म बटर जो होता है उससे आपको ढकना चाहिए, और हाइजीन की बात उन्होंने की थी, ये बड़े इशू इसमें डिस्कस थे। तो ये दुनिया जानती है कि कैटरेक्ट की सबसे पहली सर्जरी जो है वो इंडिया में हुई थी, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये कई एज ग्रुप्स को हो सकता है, ओनली टू इसका आंसर होगा। ये देखिए, ये इशू आज द हिंदू में आया है और इस तरह से इसकी जाँच होती है, और लेंस जो इस तरह का दिखने लग जाता है, जो इसमें वाइटिश पैचेस दिखने लग जाते हैं आंखों के अंदर, क्योंकि वो लेंस पीछे जो है ट्रांसपेरेंट होता है तो बिल्कुल ब्लैक जो डार्क दिखता है, लेकिन अगर इसमें ये डिजनरेशन हो गया और क्लाउडीनेस आ गई तो ये वाइटिश दिखने लग जाते हैं। और ये देखिए, एक जो रुबेला सिंड्रोम के कारण जो डिजीज़ हुई है बच्चे को, उसके कारण भी उसकी कैटरेक्ट हो गई है आंखों के अंदर। ये सारे इसमें रीजन्स हैं, प्रोटीन से बना हुआ लेंस होता है और वो प्रोटीन जो है उसी के अंदर क्लम्प्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं और पिगमेंट जो है येलो ब्राउन इसमें आ जाते हैं, तो ये आई एग्जामिनेशन से पता लगता है। और फिर ये जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, इसलिए जो लाइट है वो आगे तक नहीं जा पाती रेटिना तक, इसलिए इसमें दिखता नहीं है इंसान को, तो डिप्रेशन भी हो जाता है उसको जब दिखता नहीं है, और अंधापन भी इसमें आ सकता है। दुनिया के आधे अंधेपन के केसेस जो है वो कैटरेक्ट के कारण ही होते हैं, और 50 से ऊपर वालों को ये सबसे बड़ा खतरा होता है ब्लाइंडनेस का, इसके कारण ये इशू इसमें दे रखा है। और इंडिया से 500 साल बाद में और एंशियंट रोम में इसका मेंशन मिलता है। पहला नेक्स्ट इशू है सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, आजीविका मेला है तो एम्प्लॉयमेंट की बात है, और क्या इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं गांव के अंदर उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की बात है, उनको स्किल्स उनका शोकेस करने का जो इशू क्या इसमें होता है? बिल्कुल सही है, दूसरा सही होगा, लेकिन पहला गलत है। ये इसके अंदर नहीं, ये जो एक अंत्योदय योजना चलती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके अंदर जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो होता है NRLM, अर्बन कॉम्पोनेंट अलग है, इसका रूरल वाला अलग है। रूरल वाला किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, MORD के अंदर, तो MORD इसका आंसर होगा। तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही है इसमें, ओनली टू इसका सही आंसर होगा। तो सरस से आप इसका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो याद रख लेना, SOS से थोड़ा सा लिंक कर लेना इसको, 20 का आंसर होगा। और ये एक मार्केटिंग आर्म होती है इसी मिनिस्ट्री की, कैपेट के नाम से, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन,
एंड रूरल टेक्नोलॉजी, तो कैपर्ट ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। 500 रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, जिनके अंदर क्राफ्ट्स वूमेन भी हैं और भी बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट है, ये सब जो है इसमें दिखाए गए हैं, और सारे स्टेट से ये लोग आए हैं। और सपोर्ट किसका है वो याद रखना, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRM रूरल लाइवलीहुड मिशन। अंत्योदय योजना उनके लिए है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उनके लिए अंत में जो बैठा है उसका भी उदय हो, ये इसका इशू होता है। और ये एक जो मैटर है, ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसमें सारा एक जो इनके स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं आइडेंटिटीज, जैसे कलमकारी जो होता है वो पूछा गया क्वेश्चन है, वो आंध्र प्रदेश में होता है, और बिहार में कॉटन सिल्क की साड़ी होती है, कोसा साड़ीज होती है छत्तीसगढ़ में, टसर सिल्क जो है वो झारखंड से इधर से आता है, और इकल साड़ीज जो है कर्नाटका से आती हैं, चांदेरी साड़ीज जो हैं और बाघ प्रिंट जो है मध्य प्रदेश से आते हैं, पैथानी सिल्क साड़ी महाराष्ट्र से आती हैं। ये जो डिटेल्स हैं ये बहुत ही क्रूशल हैं यूपीएससी के लिए, याद रख लेना, इनको पूरा रख लेना, चाहे इनके पॉइंट्स बना लेना, लेकिन ये याद आपको सारे के सारे रखने हैं, ठीक है। जैसे मेखला चादर है वो आसाम से आती है, ये ड्रेस मटेरियल और अपैरल होता है, भारत कुंथन और पैचवर्क जो है गुजरात से आता है, और ये जो इकाई कुर्तीज जो है कर्नाटका से आते हैं, ये इलकल कुर्तीज शायद इनको बोलते हैं, तो इलकल कुर्तीज या ये हैं, और इलकल साड़ीज भी आती हैं देखिए कर्नाटक से ही, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सारी यूनिक चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। जो क्राफ्ट्स हैं, अपैरल्स हैं, साड़ीज हैं, जो आइडेंटिटी देती हैं इनको, एरियाज को, और यूपीएससी इन पे बहुत फोकस करता है, तो ये जो पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है धर्मा गार्डन किसके बीच में है, बड़ा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और सीधा आप जानते हो ये इंडिया और जापान के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह होता है, और ये 2018 से चल रहा है, और ये इंडिया में होता है एनुअल ट्रेनिंग इवेंट इंडियन आर्मी और जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में, तो ये चल रहा है, और ये जंगल वॉरफेयर स्कूल है वेरिंगटन में, वहाँ पर ही हो रहा है। नेक्स्ट चिकुमा रिवर, ये कहाँ पर है, क्या फिलीपींस में है चिकुमा रिवर? देखिए अभी इशू इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ा उठा है, किसके लिए? जो टाइफून हैगिबिस है, तो ये टाइफून है तो साइक्लोन नहीं है, तो ये मेजर साइक्लोन नहीं है, गलत है, साइक्लोन एक अलग टर्म है, टाइफून एक अलग टर्म है, इनका जो जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है उसके हिसाब से इसका नाम देते हैं, हालांकि प्रोसेस एक जैसी ही है, ज़्यादा हीट और इवेपोरेशन के कारण जो है, और जो एनक्लोज्ड बॉडीज होती हैं या फिर जो घिरी हुई बॉडीज होती हैं वाटर की, वहाँ पर इवेपोरेशन बढ़ता है और ये साइक्लोनिक क्लोनिक एक्टिविटी होती है, लेकिन इनका नाम अलग अलग होता है, तो ये टाइफून है हैगिबिस, साइक्लोन नहीं है, और ये साउथ पैसिफिक से नहीं, वेस्टर्न पैसिफिक या नॉर्थ वेस्टर्न आप बोल सकते हो, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक से उठा है, तो दूसरा गलत है और पहला भी इसमें गलत है, क्योंकि चिकुमा रिवर जो है जापान में है, जापान की सबसे बड़ी और चौड़ी रिवर है ये, तो डी नाइन इसका आंसर होगा। ये देखिए ये चिकुमा रिवर यहाँ पर है, और इसी को आगे शिनानो रिवर भी बोलते हैं, तो शिनानो और चिकुमा दोनों ही एक के ही नाम है, और लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट रिवर है जापान के अंदर, देखिए 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 कहाँ तक जो है ये जा रही है, बहुत लंबा इसका जो है बेसिन एरिया है, इसमें बाढ़ आ गई है बड़ी, क्योंकि इन सारी नदियों में बाढ़ आई है, ये इरुमा रिवर का ये पिक्चर है, ये चिकुमा रिवर का हालत है, ये योशिदा का है, ये अबू कुमा का है, ये अकियामा का है, तो ये सारे जो है जापान की रिवर्स हैं। और जो एक और मेन जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन का वो है, देखिए हरिकेन वो भी ऐसा ही प्रोसेस है, और समर्स में आते हैं ये स्टॉर्म होते हैं जो कि अटलांटिक ओशन में आते हैं, तो ये हरिकेन अमेरिका के रीजन में इधर जाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है साइक्लोन की, तो ये इधर मूव करेगा, और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में भी आते हैं हरिकेन्स, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक जो अमेरिका के वेस्ट में है, टाइफून जो है नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ओरिजिनेट होते हैं, उधर से आते हैं, साइक्लोन साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में आते हैं, तो साइक्लोन ऑक्सी का नाम सुना था आपने, साइक्लोन वही जो इंडिया के अंदर भी आते हैं, और विली विली होता है साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विली विली जो कि इंडियन ओशन में होगा पूरा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैगिबिस का मतलब होता है स्पीड, फिलिपीन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है स्पीड, और ये मेजर टाइफून है, सुपर टाइफून है, जो कि जापान के चारों तरफ जो है वो स्वेल कर रहा है, और उससे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है, इजू पेनिनसुला वहाँ पर है साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो में, और ये ईस्ट कोस्ट में मूव कर रहा है। देखिए चार बड़े आइलैंड से जापान मिलके बना हुआ है, आपको बताइए होनशू है, होकाइडो है, ये सब जो चार जो इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं वो जापान बनाते हैं, और जापान का लोकेशन बड़ा ही सेंसिटिव है, चिकुमा रिवर वहाँ पर ही है। नेक्स्ट फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर IICTF, ये क्या दिल्ली में वाराणसी में ये क्या ऑर्गेनाइज हुआ है? नहीं, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो पहला गलत है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनाइज क्या इसको नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने,
और APEDA ने और NEFED ने कराया था, बिल्कुल सही है, तीनों ने ही इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। और मैंने शायद आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था कि ये फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही NCDC आता है। APEDA जो होता है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिगार्डिंग ही होता है, लेकिन ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी है, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर। और NEFED अलग है, जो अलग से इम्पोर्टेंट ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला इसमें गलत है क्योंकि ये दिल्ली में हो रहा है, तो ओनली टू इसका आंसर होगा, ये कंक्लूड हुआ अभी। ये देखिए ये डिटेल यहाँ पर दे रखे हैं, 35 कंट्रीज से इसमें लोग आए थे, पहली बार ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ था और नरेंद्र तोमर ने इसको इनॉग्रेट भी किया था। फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम का बड़ा सोर्स होता है, जो कोऑपरेटिव्स के अंदर जितने भी इश्यूज होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं, जैसे कि दूध है, कोई और प्रोड्यूस है, उसके रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसका इशू पूरा किसानों के फेवर में ही होता है, इसलिए जो बॉडीज़ हैं NCDC और APEDA ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। NCDC एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, NEFED जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था 1958 के अंदर, और APEDA मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसमें शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, APEDA एक्ट के अंदर जो शेड्यूल में आते हैं वो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, पोल्ट्री, डेयरी, हनी, जैगरी, शुगर, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट हो सकती हैं, ये शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट, एनुअल गेंजेस रिवर डॉल्फिन सेंसस। गेंजेस रिवर डॉल्फिन जो है वो आपको पता ही है, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, ये मैमल होता है, तो ये शार्क की कैटेगरी में नहीं आएगा, शार्क मछली कैटेगरी में होती है, पीसेस में आता है, लेकिन ये मैमल है, जैसे ब्लू व्हेल मैमल है, डॉल्फिन मैमल है, और ये गेंजेस रिवर डॉल्फिन है, तो ये मैमल है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो है वो भी गलत है, क्योंकि ये IUCN नहीं, ये WWF जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, और जो इंडिया का जो उसका कंपोनेंट है वो, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इसमें काउंट कर रहे हैं, तो दोनों गलत हैं, डी एन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पिक्चर है, और ये बड़ा शानदार जानवर है, अंधा होता है, तो इको लोकेशन को यूज़ करता है ये, जैसे कि बैट्स वगैरह करते हैं अपने, एक जिसको बोल सकते हैं ऐसी एक आवाज़ जो है वो सुपरसोनिक साउंड जो छोड़ते हैं, और उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है उससे पता लगता है इनको कि आगे कुछ है, वैसे अंधे होते हैं लेकिन बड़े ही शार्प ही होते हैं। और इसको बड़ा खतरा है, जो सारे पोल्यूशन एक तो हुआ है गंगा के अंदर, दूसरा मगरमच्छ भी कुछ वहाँ पर हैं, कुछ जो हैं वहाँ पर ट्रॉलर्स वगैरह हैं उनके अंदर भी फंस जाती हैं, तो काफ़ी परेशानी में ये आ गई थी, अभी भी चल रही है। और इसके दो इंपॉर्टेंट जो हैं सब स्पीशीज बताए गए हैं, एक तो देखिए इंडस रिवर में जो पाकिस्तान में है उसमें होती है, तो वो इंडस डॉल्फिन कहलाती है, और पाकिस्तान का वो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। और इंडिया में जो मिलती है, जो वो नेपाल में और इंडिया में और बांग्लादेश में इधर मिलती है, क्योंकि ये रिवर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र इन्हीं के सारे ट्रिब्यूटरीज में और इसमें ये मिलती है, तो इन देशों में ये इंडियन जो गेंजेस डॉल्फिन है वो मिलती है। इसको सुसु भी बोलते हैं, इंडिया वाली को सुसु, क्योंकि ये सांस लेते टाइम आवाज़ छोड़ती है, तो इसलिए इसको सुसु बोलते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान वाली होती है उसका नाम होता है भूलन, भूलन, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान है इंडस वाली। और ये जो सुसु है ये गुवाहाटी की ऑफिशियल एनिमल, इंडिया मतलब जो सिटी है गुवाहाटी का उसका ऑफिशियल एनिमल भी घोषित किया गया था इसको, तो ये बड़ा यूनिक एक डिटेल है, तो आइए आपसे पूछ सकते हैं। ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।